तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 1 नहीं चल रहा अभी, चैप्टर 1। तो किसी सांकेतिक भाषा में स्क्रिप्ट को क्या लिखा था, TDIPPM लिखा था, तो उसी सांकेतिक भाषा में स्क्रिप्ट को क्या लिखा जाएगा, ये मैंने पूछा आपसे। तो सबसे पहले इनकी क्या करते हैं, हम ये जांच करते हैं कि यहाँ कौन सा नियम लगाया गया। देखो इधर ये पहले वाले का नियम पता करते हैं, प्लस वन माइनस वन चल रहा है, प्लस वन माइनस वन चल रहा है, चेक कर लेते हैं अभी। तो पहले मैंने इसका क्या किया, इसका देखो नंबरिंग कर दी, एस का होता है 19, सी का होता है 3, एच का होता है 8, ओ का होता है 15, फिर ओ का होता है 15, एल का होता है 12। फिर मैंने देखा कि ये इसका क्या क्या बना है, तो टी का होता है 20, डी का होता है 4, आई का होता है 9, पी का होता है 16, फिर पी का होता है 16, फिर एम का होता है 13। अब जांच किया पहले अक्षर को पहले से, तो 19 से 20 हो गया तो प्लस 1 चल रहा है, और 3 से 4 हो गया, 3 से 4 हो गया तो ये भी प्लस 1 चल रहा है, 8 से 9 हो रहा है तो ये भी प्लस 1 चल रहा है, 15 से 16 हो रहा है तो ये भी प्लस 1 चल रहा है, फिर से 15 से 16 हो रहा है तो प्लस 1 चल रहा है, 12 से 13 चल रहा है प्लस 1 चल रहा है, यानी कि नियम किसका चल रहा है, सीरीज क्या चल रही है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये सीरीज चल रही है, इसी को यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो वही अप्लाई कर देंगे तो क्या दिया था हमें, स्ट्रीट दिया था, तो स्ट्रीट दिया है तो STREET स्ट्रीट का पूछा है, तो हम क्या करें सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर देंगे, तो यहाँ होता है 19, ये 20, 21, ये 5, या 5, ये 20, तो प्लस 1 कर देंगे, 19 में एक जोड़ा तो 20, 20 नंबरिंग लिख देंगे, 20 में एक जोड़ा तो 21, 21 में एक जोड़ा तो 22, 5 में एक जोड़ा तो 6, फिर से 5 में एक जोड़ा तो 6, 20 में एक जोड़ा तो 21। अब इनके हम नंबर उनके अक्षरों को लिखते हैं कि इस पर क्या क्या आता है, तो 20 पे आता है टी, 21 पे आता है यू, 22 पे आता है वी, 6 पे आता है एफ, फिर से आता है एफ, फिर आता है यू, तो हमारे पास आया क्या, तो ये बना हमारे पास क्या, टी यू वी एफ एफ यू, ये हमारा आंसर है, इसको नोट डाउन करो। इस तरीके से ये हमारा आंसर निकल के आया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करो इसको, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं, उतारो फास्ट इसको। देखा है किसी सांकेतिक भाषा में भाषा में बैट को BAT बैट को DCV लिखा जाता है, DCV लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में MAN को क्या लिखेंगे, MAN, तो उसी सांकेतिक भाषा में MAN को क्या लिखा जाएगा, करें इसको, MCP चार है क्या, नहीं सर तीन ही है सर, MAN तो लिखा ओनली MAN, हाँ तो क्या लिखना है, MCP चलो चेक कर लेते हैं ना, चेक कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जांच करनी है कि बैट से ये बना कैसे, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, बैट को लिखा और उधर डैश करके हमने लिख दिया DCV। अब इसकी नंबरिंग करी तो 2 होता है 1, 20, ये होता है 4, 3 और 22, चेक कर ले रहे, 2 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो यानी कि प्लस 2 चल रहा है, 1 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, 1 से 3 हुआ है तो यहाँ पे भी क्या चला, प्लस 2 चला, 20 से कितना हुआ, 22 चला, यहाँ पे भी क्या चला, प्लस 2। तो हम समझ गए जो सीरीज या श्रृंखला चल रही है वो कितने की चल रही है, 2 की चल रही है, जुड़ता हुआ प्लस 2, ठीक है, यही अप्लाई करते हैं। तो पूछा क्या है, मैन, MAN मैन का पूछा है, तो क्या होगा, सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लो, तो ये होता है कितने पर, 13, 1, 14, तो प्लस 2 कर दें, तो 13 में 2 जोड़ा तो 15,
एक में दो जोड़ा तो तीन, 14 में तीन जोड़ा तो 17। अब इसके क्या होता है, ये जोड़ दे रहे हैं, 15 पे क्या होता है ओ, 3 पे होता है सी, 17 पे होता है क्यू, तो ओ सी क्यू बन रहा है, ये आंसर है। आपने क्या बताया था, वो नहीं था, कोई बात नहीं, उसको उतारो, छोटे छोटे से सीख रहे हैं, ठीक है। इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पर आधारित और देखते हैं, बिगाड़ो इसको, ठीक है, कर लो जल्दी से नोट डाउन करो। तो इस तरीके से हम ये कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को कर रहे हैं, तो इसमें टाइप वन चल रहा है हमारा, टाइप वन को इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो टाइप वन में कैसे क्या चलता है, इसमें प्लस वन का चल रहा है, प्लस टू का चल रहा है, प्लस थ्री का चल रहा है, तो समान जोड़ चल रहा है पहले अक्षर से पहले अक्षर को। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखते हैं इसको, बिगाड़ो, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी सांकेतिक भाषा में, भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को WLJ H U लिखा जाता है, WLJ H U लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में loin को क्या लिखा जाएगा, loin को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन है करो। सबसे पहले संबंध स्थापित करना है कि उसका ये बना कैसे है ये आपस में, तब हम कुछ कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, उसके बाद सवाल को करेंगे। तो हमें ये देखना है कि टाइगर से जो वो बना है, शब्द बना है, वो कैसे बना है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग का मतलब होता है कि वो अक्षर कौन से स्थान पे आता है, फिर ये देखते हैं कि पहले अक्षर को पहले से मिला के देखते हैं कि उसमें क्या बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको देखते हुए फिर अगले अक्षर को तुलना करते हैं, और जब ये तुलना हो जाती है तो देख लेते हैं नियम में क्या चल रहा है, वही नियम को नीचे वाली संख्या से लगा देते हैं, नीचे वाले शब्द पर। तो इस प्रकार हम शब्द से एक और कोडिंग करके हम नया शब्द प्राप्त करते हैं, वही हमारा उत्तर होता है। देख लेते हैं इसमें क्या आया उत्तर, ओ एम आर फिर ओ एम आर क्यू। चलो चेक कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं TIGER टाइगर को क्या लिखा है, WLJHU। तो पहले सबसे पहले हम ऐसे प्रश्नों को हम देख लेते हैं कि इनमें क्या रूल लगा है। तो टी कितने होता है, 20 पे प्लस 3 चल रहा है, नंबरिंग कर ली 9 7 5 18। इसको देख लेते हैं, ये होता है 23 यानी 23, ये 12, ये 10, ये 8 और ये 21। तो देख लिया 20 से कितना चल रहा है, 23 प्लस 3 चल रहा है, प्लस 3 हो गया, 9 से कितना हो रहा है, 12। तो यहाँ पे भी देखा प्लस 3 है, 7 से कितना हो रहा है, 10, ये भी प्लस 3 है, 5 से कितना हो रहा है, 8, ये भी प्लस 3 है, 18 से 21 ये भी प्लस 3 है। तो हमें समझ में आया कि प्लस 3 सीरीज में चल रहा है, बढ़ता हुआ हर एक अक्षर में प्लस 3 का जोड़ चल रहा है, तो वही हम लगा देंगे उसमें loin में। तो LION loin, तो loin को सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं कि loin का क्या होता है, तो 12 9 O होता है 15 पे, N होता है 14 पे, तो 12 में 3 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 15। सबसे पहले हम अंकों को लिख लेंगे, 9 में 3 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 12, 15 में 3 जोड़ दें तो हो जाएगा 18, 14 में 3 जोड़ दें तो हो जाएगा 17। ठीक, 15 पे आता है ओ, 12 पे आता है एल, 18 पे आता है आर, 17 पे आता है क्यू, तो हमारा बना क्या, ओ एल आर क्यू।
नहीं सर 1200 तो यहाँ सर 1300 ठीक है 13 पे आता है आपने एम लिखा है वो 13 पे आता है ठीक है O L R Q ये हमने क्वेश्चन किया। चलो एक और कर लेते हैं इसी पर आधारित, इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में पुलिस को UUPQNHHI लिखा जाता है। UPQNHJ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में आर्मी को क्या लिखा जाएगा। अरे जल्दी से इजी है, सबसे पहले इसको हम तुलना करते हैं और उसके बाद इसको निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप इसकी तुलना करो कि आखिर में वो बना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले नंबरिंग करोगे, नंबरिंग करने के पश्चात फिर आगे बढ़ोगे। नंबरिंग कर लें जल्दी से। करें जल्दी नंबरिंग। देख लेते हैं कि नंबरिंग में क्या करते हैं आप। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम नंबरिंग करते हैं कि जिस अक्षर पे जो स्थान आता है, जिस स्थान पे जो अक्षर आता है उसका वो नंबर लिख देते हैं, फिर जांच करते हैं पहले अक्षर को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और चौथे को चौथे से। EWRD ठीक है, बताएं कितना। EWRD चेक कर लेते हैं ठीक है। RD ओके। तो सबसे पहले हम पुलिस को लिखते हैं। पुलिस को क्या बना रहे हैं, UPQNHJ ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इस पे पी कितने होता है। ओ 15 L 12 I 9 ठीक है। सी C 3 E 5 बहुत बढ़िया। ये U 21 फिर 17 13 N 14 H 8 J 10 अब चेक कर ले रहे हैं तो 16 से कितना बना है 21 तो 16 5 प्लस कर दिए होंगे 15 में 5 जोड़े तो कितना हो गया 20 ये प्लस 12 से 17 हो गया तो कितने जुड़े हैं प्लस 5 9 में 9 से 14 हो गया तो ये कितने जुड़े हैं यहाँ ये 5 3 से 8 हो गया तो कितने जुड़े हैं प्लस 5 5 से कितना हो गया 10 5 तो ये भी +5 तो हम समझ लिए क्या तो +5 जुड़ रहा है +5 यही कर देना है किसमें आर्मी में। तो आर्मी का क्या होगा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आर्मी लिख लेते हैं ARMY और इसकी कर देते हैं नंबरिंग कर देते हैं। तो हमने पाया 1 आर होता है 18 पे, एम होता है 13 पे, पच्चीस। अब इनको क्या कर दिया +1 कर दो +5 तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 एक पहले तो नंबर लिख दे रहा है 18 में 5 जोड़ा तो 23 13 में 5 जोड़ा तो 18 25 में 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा D लौट के आ जाते हैं रिवर्स 26 तक अक्षर होते हैं तो फिर से आ गया कितना 4 आ गया क्यों एक जोड़ दिया तो 6 तक हो गया था 5 जोड़ देते 30 तक चलो 30 कर ले रहे हैं समझने के लिए लेकिन अक्षर कितने तक होते हैं 26 तक तो 26 को घटा दें तो बचेगा कितना 4
तो अब इनके अंक लिख लेते हैं, अच्छा लिख लेते हैं जो अंकों पे होते हैं। तो 6 पे होता है F, यह होता है W, 18 पे होता है R, ये होता है 4 पे D, F W R D, F W R D, ये राइट आंसर है। तो आर्मी का हुआ F W R D। ओके, तो आज हमने ये कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 1 को किया है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 2 के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। मैं यहाँ निःशुल्क पढ़ाता हूँ और क्योंकि मेरी कोचिंग चलती है तो कोचिंग में मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये रिवीजन के लिए उनकी वीडियो को मैं डालता हूँ। तो आप भी मेरी कोचिंग से जुड़ सकते हैं। तो अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मैं आपको पैसे बता सकता हूँ इंडिविजुअल, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।